बेसिकली होता क्या है, कौन सी लेयर से डिराइव होता है, एज वेल इसके कौन सी लेयर्स होती है, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बेसिकली डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर में हमने देखा था इसके फोर चैम्बर्स होते हैं और इनके बीच में कुछ सैक्टम्स होते हैं। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर कुछ वॉल्स होते हैं जो क्या इंश्योर करते हैं कि ये जो ब्लड का फ्लो है वो कैसा हो, यूनिडायरेक्शनल हो। यूनिडायरेक्शनल का मतलब हुआ कि ब्लड अगर एक बार ऑरिकल से वेंट्रिकल आ गया है, सी ऑरिकल से वेंट्रिकल ब्लड आया, तो यहाँ पर जो आपका वॉल है वो क्लोज हो जाएगा, जैसे ये इसको अपोजिट नहीं जाने देगा। सिमिलरली जो वेंट्रिकल के पास सेमिलनर वॉल्स है वो भी यही करते हैं कि ये वॉल क्या करेंगे कि फर्दर बैक ना हो जाए, इसको अवॉइड करेंगे। दैट मीन्स ब्लड कैसा फ्लो होना चाहिए, हमेशा यूनिडायरेक्शनली। इज दिस क्लियर? इन वॉल्स का क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंस है गाइस? चैट बॉक्स में सब शांत हो गए तो आप लोगों को वॉल्स के बारे में पता बता दिया था मैंने लास्ट क्लास में। ऑर्टा के बारे में जानते हो, आया नहीं? देखो ये ऑरिकल हो गए, दो वेंट्रिकल, तो जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से पहली मेन आर्टरी निकलती है उसका नाम है ऑर्टा, और इसके बाद यहाँ पर ये बहुत सारी ब्रांचेस बना के आर्टरीज बनाएगी जो पूरी बॉडी में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। नेक्स्ट बात करें, हमारा जो वेंट्रिकल है वहां राइट वाला वेंट्रिकल, वहां से क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी, एंड इट गेट्स कनेक्टेड टू द लंग, इसलिए कि ये लंग के पास जाके जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ली जा रही है उसको ऑक्सीजन दे दे। ये सारी बातें क्लियर है? वॉल्स का काम क्या है, यूनिडायरेक्शनली ब्लड को फ्लो करना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अच्छा अब हम पढ़ लेते हैं कि ब्लड एग्जैक्टली फ्लो कैसे होता है। ओके निशा, हम फिर से एक बार इस डायग्राम में बहुत अच्छे से समझेंगे कि कैसे ब्लड एग्जैक्टली फ्लो होता है। ठीक है, ये कौन है आपका हार्ट विद इट्स फोर चैम्बर्स, कौन कौन से, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? ये हार्ट हुआ, यहाँ पर है लंग्स। ओके, यहाँ पर मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन, करेक्ट? यस वेदराज, आई एम रिपीटिंग द सेम। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, बॉडी ऑर्गन। अब जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, हार्ट टू लंग्स हो रहा है, एज वेल एज हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स। जो हार्ट बॉडी ऑर्गन्स को दे रहा है वो कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो बॉडी ऑर्गन्स हार्ट को दे रही है वो कौन सा ब्लड है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या ये सारे पार्ट क्लियर है आपको, क्या ये सारे पार्ट क्लियर है गाइस सबको? ठीक है, तो देखो आपका ये राइट और लेफ्ट ये दिख रहा है ना, जैसे लंग्स है, लंग्स के पास ये ऑक्सीजन, तो लंग्स और हार्ट के बीच में कौन सा कनेक्शन है, पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी। सी पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, दे बोथ आर एक्सेप्शन। यूजुअली जो आर्टरी है वो कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड, और जो वेंट्रिकल से वो कैसा ब्लड कैरी करते हैं, डी ऑक्सीजनेटेड, बट ड्यू टू दिस एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड, है ना। अब पल्मोनरी जो वेन है वो करेंगे ऑक्सीजनेटेड और आर्टरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड। अब बात करें हम लंग्स की, तो लंग्स से कनेक्शन कौन सा आया, यहाँ पर लेफ्ट ऑट्रियम। लेफ्ट ऑट्रियम के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है, पल्मोनरी वेन, देन ब्लड फ्लोस टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब जैसे लेफ्ट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। पर यहाँ पर एक वॉल बैठा हुआ है, कौन सा वॉल पे है, बाइकस्पिड वॉल, इसका दूसरा नाम है, मुझे कौन बताएगा, नाम बताओ जल्दी, बाइकस्पिड का दूसरा नाम क्या है, मिट्रल वॉल। ओके, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल के पास है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पहला ब्रांच निकलेगा मैंने उसका नाम क्या बताया था, ऑर्टा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो जो आपका यहाँ पर ऑर्टा है और लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर भी एक वॉल प्रेजेंट है, इस वॉल का नाम क्या है गाइस, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, सेमिलिनियर वॉल। ठीक है, ये क्या इंश्योर करेगा कि ब्लड हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, मतलब ब्लड हमेशा ऐसा ही जाना चाहिए, ऑपोजिट नहीं जाना चाहिए, ये वॉल्स का काम है। क्लियर? अब देखो ये कहाँ से आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन के पास, तो यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे ही बॉडी ऑर्गन के पास आया तो जो बॉडी ऑर्गन थे उन्होंने ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया, अब ब्लड कैसा हो गया हमारा, डीऑक्सीजनेटेड। अगर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास, ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट के पास, पर किस चैम्बर में जाएगा, राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट ऑरिकल में कौन सा जा रहा है हमारा, डी ऑक्सी, और लेफ्ट ऑरिकल में कौन सा जा रहा है,
लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, पर किसके थ्रू जा रहा है? यहाँ वेना केवा के थ्रू। वेना केवा है क्या? लार्ज, बहुत बड़ी बड़ी वेन्स है जो किसको ब्लड देगी? हार्ट को। दे आर वेन्स, लार्ज वेन्स। यहाँ पर दो टाइप के वेना केवा, एक होता है सुपीरियर, एक होता है इंफीरियर। तो जो ऊपर वाले पार्ट पे बैठा होता है दैट इज सुपीरियर, और जो नीचे होता है दैट इज इंफीरियर, ठीक है। तो ये जो वेना केवा है कहाँ लेगा? राइट ऑरिकल के पास। ऑरिकल के पास कहाँ आएगा? वेंट्रिकल में। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में आया उसके बाद यहाँ पर फिर से एक कनेक्शन आया। इस कनेक्शन का नाम कौन बताएगा मुझे? यहाँ पर जो वॉल प्रेजेंट है उसका, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच का कनेक्शन पूछ रही हूँ मैं, ना कि राइट ऑरिकल या राइट वेंट्रिकल। जल्दी बताओ। सेमिलिनर वॉल्स, ठीक है। तो ये वॉल से जैसे ही ब्लड निकला किसने कह रही है? पल्मोनरी आर्टरी पर। कौन सा ब्लड है ये? डीऑक्सीनेटेड। और ये किसको मिल गया? लंग्स को। यहाँ पर डीऑक्सी आया, जैसे ये लंग के पास आया इसको ऑक्सीजन मिल गई। तो इस तरह से ब्लड का फ्लो हुआ। क्या ये सारी बात समझ में आई? क्या सबको समझ में आई? कहीं भी कोई कंफ्यूजन है? फिर से रिपीट करूं? गाइस, डू यू वांट मी टू रिपीट? नो? आई होप सब कुछ क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, चलो ग्रेट। अब आप सब कुछ क्लियर हो गया है तो आप मुझे बताते जाओ और यहाँ पर मेरे को मैं लिखती जाऊंगी। पहले बताओ कि बॉडी ऑर्गन से जो ब्लड निकलता है वो कौन सा होता है? जो पास होता है, निकल जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? ये हार्ट के पास। ओके, कौन लेके जाएगा हार्ट के पास? क्या नाम था? कौन लेके जा रहा था हार्ट के पास? वेना केवा। वेरी गुड। वेना केवा से कौन से हार्ट के चैम्बर में जाएगा? चैम्बर ऑफ हार्ट इज राइट ऑरिकल। वेरी गुड। राइट ऑरिकल से कहाँ डिलीवर होगा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से किसके पास जाएगा? कौन सा कनेक्शन है वहां पर? पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी या वेन? ओके, पल्मोनरी आर्टरी। अब ये ब्लड कहाँ लेके गई? किसके पास? लंग्स के पास। चलो, यहाँ तो हमने किसका फ्लो पड़ा? डीऑक्सीजनेटेड। अब लंग्स के पास अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है तो इसमें क्या ऐड होगा? क्या ऐड होगा? ऑक्सीजन। यहाँ पर कौन है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अब ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बताओ ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है किसके पास जाएगा? वेरी फर्स्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल कनेक्शन, पल्मोनरी वेन। वेरी गुड। पल्मोनरी वेन कहाँ, किसके पास लेके गई ये? लेफ्ट ऑरिकल। अब लेफ्ट ऑरिकल से किसके पास? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से किसके पास जाएगा? मेन आर्टरी कौन है? ऑर्टा। ऑर्टा से किसके पास गया ये? बॉडी के पास। बहुत सारी ब्रांचेस बनाई आर्टरी छोटी छोटी। तो क्या आपको ये ब्लड का फ्लो समझ में आया इन द बॉडी? इज दिस क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आया ना? व्हाट इज ऑर्टा, व्हाट इज वेना केवा, सारे नाम्स क्लियर है? ठीक है, दिस इज फॉर यू गाइस। मैंने आपके लिए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया है ताकि आपको एक बार में पूरा रिवाइज हो जाए। ठीक है, वॉल का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर लिखा है, हमेशा याद रखना कि ब्लड कैसे फ्लो करेगा यूनिडायरेक्शनली। वॉल का बता दू, देखो वॉल कौन से थे हमारे पास? ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और सेमिलिनर। अब मुझे बताओ ट्राइकस्पिड किसके किसमें प्रेजेंट था? राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, लेफ्ट पार्ट में था। बाइकस्पिड और सेमिलिनर कहाँ थे? वेंट्रिकल से कनेक्शंस निकले थे उसके पास। अभी क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े गाइस, कैन बी मूव फर्दर। ओके, सो दिस इज अ ह्यूमन हार्ट। दिख रहा है आपको ह्यूमन हार्ट? कितने चैम्बर्स होंगे यहाँ पर? कितने चैम्बर्स होंगे? फोर। ठीक है, कौन कौन से? लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और दूसरे कौन से है हमारे पास?
राइट ऑरिकुलर एंड राइट वेंट्रिकुलर, दिस इज द फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट। अब ऑर्टा किसका कनेक्शन है? लेफ्ट वेंट्रिकल का। ये कौन है? मेन आर्टरी। और वेना केवा कौन है? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। क्या काम है उनका जल्दी बताओ? वेना केवा का काम क्या है? व्हाट इज वेना केवा? दे आर लार्ज वेन्स व्हिच पोर्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रिया। ठीक है, पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। उसके बाद ये पल्मोनरी वॉल, मतलब दैट इज यहाँ पर जो कनेक्शन है ऑरिकल्स के बीच में, और ट्राइकस्पी मिडिल वॉल और पे पल्मोनरी वॉल, जो आपके राइट वाला सेमिलर वॉल है उसका नाम है पल्मोनरी वॉल, और जो लेफ्ट वाला नाम है सेमिलेना उसका है ऑर्टिक वॉल। क्लियर? आगे बढ़े गाइस, चलिए ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। देखो ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो हमारे जो हार्ट थे उसमें कुछ चैम्बर्स कौन कौन से थे? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, कुछ ऐसे थे फोर चैम्बर्स। हाँ मुझे ये बताओ, जो आपका हार्ट है वो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट करता है या कुछ और वहां पर देते हैं, या वो आप जब चाहोगे तब होगा कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्शन रिडक्शन हमेशा कैसा होता है? यस वेरी गुड, इनवॉल्यूंट्री होता है। जो हार्ट का एक्शन होता है इनवॉल्यूंट्री। इनवॉल्यूंट्री एक्शन वो होती है जो हमारी बॉडी में जो भी चीजें हो रही है, अगर जो कंट्रोलेबल है दैट इज वॉल्यूंट्री, जो नॉन कंट्रोलेबल है या उसको बोलेंगे इनवॉल्यूंट्री। जैसे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये सब, और उसके बाद ब्रीदिंग वाला, ये सब इनवॉल्वेंट्री प्रोसेस है। ठीक है, तो हार्ट ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट करता है, पर कोई ना कोई तो इसको सिग्नल देने होना वाला है ना, कि इसको कौन सिग्नल देगा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है? कोई सिग्नल देने वाला होना चाहिए। यस, यहाँ पर क्या होते हैं नोडल टिश्यूज, मतलब एक पैच ऑफ टिश्यू क्या होता है जो ऑटो एक्साइटेबल होता है, खुद से एक्साइट हो जाएगा, ऑटो एक्साइटेबल होगा। That means ये क्या दे रहा है आपके हार्ट को सिग्नल? ये कौन है हमारा? SA node। ठीक है, ये जो SA node है एक पैच ऑफ टिश्यू, दैट इज नोडल टिश्यू, और वो नोडल टिश्यू ऑटो एक्साइटेबल होता है, तो ये क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा सिग्नल्स को। ठीक है, तो ये जो आपके ऑरिकल्स की वॉल से उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। अब बचे वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स तो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए है ना, बंडल ऑफ हेल्थ भी बताएंगे, आगे बढ़ेंगे अभी हम। पहले ये देखो ऐसे नोट समझ में आएगा, ये किसको कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा? ऐसे ओनली, इट कॉन्ट्रैक्ट ओनली ऑरिकल, है ना, इसने ऑरिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाया। अब ये जो आपका यहाँ नीचे पैच ऑफ टिश्यू है दैट इज एवी नोड, उसका नाम है अट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो यहाँ से क्या होता है, इस सेप्टम को इशारा मिलता है। ठीक है, समझ नहीं आया फिर से रिपीट। ठीक है, यहाँ पर जो आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो उसको कोई ना कोई सिग्नल दे रहा होगा। ठीक है, तो ये जो ऐसे नोड है वो क्या करेगा, एक पैच ऑफ टिश्यू है जो ऑटो एक्साइटेबल होगा, मतलब ये ऑटोमेटिकली क्या दे देगा हार्ट को सिग्नल दैट यू नीड टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इट विल जनरेट द इम्पल्सेस ऑटोमेटिकली। ठीक है, जैसे ही इसने इम्पल्स जनरेट करी, इट विल ट्रांसमिट टू द वॉल्स ऑफ ऑरिकल्स, तो अब की ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब ऑरिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट हो गए, नेक्स्ट हम बात करें वेंट्रिकल्स की, वेंट्रिकल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे? तो वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर कौन बैठा है? एवी नोड। तो ये जो आपका ऑरिकल वेंट्रिकल वाला सेक्टम है यहाँ पर थोड़ा प्रेजेंट होता है, कॉर्नर में होता है राइट ऑरिकल के। ठीक है, जैसे ही एवी नोड को इशारा मिला ये नीचे ट्रांसमिट करेगा, तो ये जैसे ही नीचे आता है अब ये जो बंडल बनाएगा दैट इज बंडल ऑफ हिस। ठीक है, बंडल ऑफ हिस, और फिर छोटे छोटे डिवाइड होके पूरे वेंट्रिकल के वॉल्स में फिल, यहाँ पर पूरे फैल जाएंगे। तो ये जो टर्मिनल ब्रांचेस बनाते हैं इनको क्या बोलते हैं हम? पुर्किंजे फाइबर्स। ये सब समझ में आया और डू आई नीड टू रिपीट द सेम थिंग अगेन? ये जो टर्मिनल ब्रांचेस है दैट आर पुर्किंजे फाइबर्स। जो आपका एवी नोड जैसे एक बंडल बनाया दैट इज बंडल ऑफ हिस। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। एसी नोड ने किसको सिग्नल दिया कॉन्ट्रैक्ट करने का, जल्दी बताओ? एसी नोड ने किसको सिग्नल दिया? ऑरिकल्स को। ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। ये जो आपका ऑटर एवी वाला जो सेप्टम था
यहाँ पर एक और पैच ऑफ टिश्यू था, इसको सिग्नल कहाँ से मिलता है? ऐसे एनर्जी। तो इसने एबी वाले ने लिया, अब एबी तो यहाँ बैठा था, पूरे वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना था, तो उसके लिए ये फाइन। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे एबी नोड खत्म हुआ, यहाँ पर एक बंडल बना, दैट इज बंडल ऑफ हिज, ठीक है। फिर बंडल ऑफ हिज पूरे वेंट्रिकल की वॉल्स में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा और फाइबर्स बनाएगा। तो ये जो टर्मिनल ब्रांचेस होती है, दैट इज पल्पिंजरी फाइबर्स। समझ आया गाइस? क्लियर निधि को, इशिका, इज दिस क्लियर? सबको क्लियर है? 9 प्रॉब्लम, मतलब क्या प्रॉब्लम, किसी को डाउट है क्या? जल्दी बताओ किस पार्ट में डाउट है। ये बंडल ऑफ फेस ने, देखो पहले कौन था आपका, एस ए नोट, फिर कौन सा आया आपका, एवी नोट। एवी नोट खत्म हुआ तो कौन आया, बंडल ऑफ फेस, और बंडल ऑफिस खत्म हुआ तो कौन है, पल्पिंजरी फाइबर्स। अभी क्लियर है? फाइबर रिपीट करते हैं, जैसे ये बंडल यहाँ पर आए, बंडल तो यहीं पे आ गए, पर पूरे वॉल को क्या पड़ा, सिग्नल नहीं मिला। तो ये सिग्नल कौन देगा, तो ये जो बंडल है छोटे छोटे फाइबर्स बनाता है, और इन फाइबर्स के जो टर्मिनल ब्रांचेस है वो है पल्पिंजरी फाइबर्स। अब समझ में आया? तो ऐसे जो हमारा हार्ट है पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूरे वॉल्स को सिग्नल मिल गया कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। अभी समझ आया? फिर से कुछ रिपीट करना है गाइस? हाँ, सिग्नल दे रहे। देखो हमको अगर किसी भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है ना, तो उसके लिए सिग्नल जरूरी है। जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि आप आपके हैंड को रेस करो, तो मैंने आपको एक सिग्नल दिया जो ब्रेन के पास गया, तो ब्रेन ने सिग्नल किसको दिया, आपके हाथ को, कि आपको ऑपरेट करना है। तो अगर ऑटोमेटिकली आपका हाथ ऊपर नीचे हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि सिग्नल नहीं मिल रहा है। पर ये जो हार्ट है वो तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? सिग्नल्स आर रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल, और अगर हार्ट कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रिलीज होगा तभी तो हमारी बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड कंटिन्यूसली सप्लाई होगा। अगर हार्ट ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट होना बंद कर दिया तो क्या पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा? हाँ, पेस लेकर की भी बात करें, अभी ये सब समझ में आया ना? अब बताओ इस प्रोसेस को इनिशिएट किसने किया, इनिशिएट किसने किया, स्टार्ट किसने किया, दैट इज एसे नोट। इसी को बोलते हैं हम पेस मेकर, ठीक है। अब अगर किसी के हार्ट में ये पेस मेकर खराब हो जाता है, तो इसको आर्टिफिशियल भी हम ऐसे, उसमें ऐसे जो आपका नोड है उसको आर्टिफिशियली नया दे सकते हैं, ताकि उसका हार्ट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होते रहे। तो इस पेस मेकर का भी ट्रांसप्लांटेशन है, ठीक है। क्या ये सब कुछ क्लियर है? कार्डिक वर्ड आया है, दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हार्ट की। तो हार्ट के वॉल में ये देखो नोडल टिश्यूज प्रेजेंट है, जो उसको कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने के लिए बोले। क्लियर? पेस मेकर, देखो जो इस प्रोसेस को इनिशिएट करता है उसको हम बोलेंगे पेस मेकर ऑफ द हार्ट, और इनिशिएट कौन कर रहा है, हमारा साइनोएट्रियल नोड। तो दिस इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्या क्लियर है दीपक? पेसमेकर क्लियर है? ओके, एक बात क्या बताना है निशा, और किसी को कुछ डाउट है? हाँ, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी तो ब्लड का फ्लो नहीं होगा। जैसे ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड वेंट्रिकल्स के पास जाते हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी ऑर्गन के पास जाएगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन बंद हो गया तो ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, ठीक है। ऐसे नोड एवी नोड का फंक्शन ये है कि दे सेंड सिग्नल्स टू द हार्ट मसल्स दैट यू नीड टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये आपका ऊपर वाले कोने में कौन बैठा होता है, ऐसे नोड, और नीचे वाले में कौन बैठा होता है, एवी नोड। यहाँ पर जो बंडल बनेगा दैट इज बंडल ऑफ क्या था, हिज, और ये जो टर्मिनल ब्रांचेस है इनका नाम क्या है, पल्पिंजरी फाइबर्स। अभी क्लियर? क्लियर गाइस? ठीक है, तो देखो आपका ये फिर से इसने वही लिखा है कि पहले ऐसे नोट था, फिर उसने क्या बनाया, एवी नोट के पास गया, फिर बना एवी बंडल। इस बंडल का नाम क्या है, अभी बताया था मैंने, इट इज बंडल ऑफ इस। अब क्या आएगा, पल्पिंजरी फाइबर्स। इतना इजी था ना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है।
ओके तो आपको एवी बंडल और पुरकिंजे फाइबर समझ में आए ना। देखो ये जो फाइनल टर्मिनल ब्रांचिंग से ये कौन है, पुरकिंजे फाइबर्स, ये है आपका बंडल ऑफिस, ये है आपका एसए नोड, ये है आपका एवी नोड, ठीक है। ओके आगे बढ़े गाइस, तो जो नोडल टिश्यूज थे एक पैच ऑफ टिश्यू, दे आर ऑटो एक्साइटेबल। कौन सा ऑटो एक्साइटेबल था, आपका एसए नोड, उसके बाद एवी नोड, फिर बंडल ऑफ फिस, देन पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। तो ऑटो एक्साइटेबल है मतलब अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और ये एसए नोड है वो इनिशिएट करता है प्रोसेस को, इसीलिए इसको बोलते हैं पेसमेकर ऑफ द हार्ट। इसके ये जो 70 to 75 मिनट पर मिनट हार्ट बीट होते हैं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन वाला जो पार्ट है That is one heartbeat. मतलब एक बार में contract relax होता है, एक heart beat होती है, और इस cycle की बात करें तो इसको बोलेंगे हम cardiac cycle. That will be discussing. ठीक है? ठीक है? Cardiac cycle पढ़े? दब दब भी पढ़ेंगे. We'll be coming to that. Cardiac cycle start करें guys. Okay. Now what is cardiac cycle? One heartbeat is equal to one cardiac cycle. इतना समझ आया ना, एक कार्डियक साइकिल क्या है, एक हार्ट बीट। अब किस एक हार्ट बीट के कितने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, मतलब एक हार्ट बीट को बनने के लिए क्या क्या इसके अंदर कंपोनेंट्स है, तो इन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग वन हार्ट बीट इज नोन एज कार्डियक साइकिल, ठीक है। हार्टबीट में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है दैट इज आपका कार्डियक साइकिल, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। तो देखो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है, रिलैक्स भी कर रहा है, उसके अंदर मसल्स है ऑब्वियसली, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा और रिलैक्स भी करेगा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स में ब्लड की पंपिंग हो जाती है, और ये जो पीरियड है कॉन्ट्रैक्ट टू रिलीज के बीच में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं दैट इज कार्डियक साइकिल, क्लियर, क्लियर गाइस। अब बात करते हैं इस कार्डियक साइकिल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पर तीन फेज होते हैं, देखो यहाँ पर डायस्टोल स्टोल वर्ड लिखा है, पहले उसका मतलब समझ लेते कि इस स्टोल का मीनिंग क्या होता है और डायस्टोल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो जब आपके हार्ट की मसल्स रिलैक्स कर रही है तो वो फेज कौन सा हुआ, डायस्टोल वाला, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वो फेज कौन सा हुआ, हमारा सिस्टोल वाला, क्या ये बात क्लियर है, क्लियर है गाइस। सिस्टोल जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है तो डायस्टोल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है जॉइंट डायस्टोल, तो हार्ट के कौन कौन से पार्ट है, मेन ऑरिकल और वेंट्रिकल, जब दोनों रिलैक्स करेंगे तो उस फेस को हम क्या बोलेंगे, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ एट्रियल सिस्टोल का मीनिंग क्या होगा, इस फेस में क्या होगा, इस फेस में क्या होगा, सेकंड फेस में। देखो डायस्टोल का मीनिंग होता है रिलैक्स करना, और जॉइंट का बोल रहे हैं दैट मींस आपका पूरा हार्ट में जो और जितने चैम्बर है सब में रिलैक्स कर रहे हैं, तो वो रिलैक्सिंग वाले पीरियड में कौन कौन से चैम्बर आएंगे, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल, तो ऑरिकल वेंट्रिकल जब साथ में रिलैक्स कर जाते हैं दैट इज जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। अब इस एट्रियल डायस्टोल में क्या होगा, ऑरिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, और लास्ट वाले फेज में क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल्स, ठीक है। अरे हार्ट बोलेगा कि मेरे को सांस तो लेने दो, थोड़े दो चार में से 0.1-0.3 सेकंड के लिए वो सांस लेकर ले सकता है, वो बोलेगा यार मुझे थोड़ा आराम तो करने दो फिर मैं करूंगा। देखो ये जो फेजेस होते हैं 0.1 सेकंड में, जॉइंट वाले में ऑरिकल्स और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। दीपक आपका क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे ना थोड़ा और, तब आपको समझ में आ जाएगा, जब ये फेजेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे जब आपको समझ आएगा, ठीक है। अभी क्लियर है ना इन तीनों के मीनिंग, अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो जॉइंट डायस्टोल में कौन रिलैक्स करेगा, ऑरिकल भी, और कौन रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकल भी, ये दोनों क्या हो गया रिलैक्स में। इसने बोला कि यार मैं तो काम कर करके बहुत थक गया हूँ, मुझे यार थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो ये रेस्ट तो कितना दिया, 0.4 सेकंड का,
बोला हाथ में, ठीक है मैं थोड़ी देर के रिलैक्स कर लेता हूँ। 0.4 सेकंड कितना होता है, मैंने बोला इतनी देर में 0.4 सेकंड से भी कम होंगे, तो इतनी देर में क्या आपकी ब्लड की पंपिंग रुक गई, तो आपका एकदम का सिस्टम डैमेज हुआ। अगर ये डायस्टोल हमेशा रहेगा तो सिस्टम डैमेज हो जाएगा, क्योंकि अगर हार्ट रिलैक्स है तो ब्लड विल नॉट पंप, तो इस ड्यूरेशन में ब्लड की पंपिंग नहीं होती। इतनी बात तो समझ में आई ना, पर कितनी देर के लिए, ओनली फॉर 0.4 सेकंड्स, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया ना इस फेज का, कौन है रिलैक्स्ड, रिलैक्स कौन है, सारे चैम्बर्स, दो ही टाइप के तो चैम्बर है, ऑरिकल और वेंट्रिकल, तो दो दो टाइप के दोनों है तो सब रिलैक्स हैं, ठीक है। अब वॉल्व ओपन है, तो जब भी वॉल्व ओपन होंगे तो ब्लड का फ्लो होगा, ठीक है। तो ये जो आपके ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व को खुले है, तो यहाँ का ब्लड फ्लो हो रहा है, थोड़ा हो रहा है। अब इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ऑरिकल्स को बोलना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट करो, तो बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो होगा। ओके निधि, मेक श्योर इसके बाद की रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है। तो ये और जो सेमी ल्यूनर वॉल से वो क्लोज है, मतलब ऑरिकल टू वेंट्रिकल तो ब्लड इस स्टेट में जा रहा है, पर यहाँ वेंट्रिकल से बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्टिकल सिस्टम, मतलब अब कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बोथ ऑरिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ऑरिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट हुए, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में। तो अभी रिलैक्स वाले स्टेट में भी क्या, ओके फकीया मैं रिपीट करती हूँ, पहले ये बताओ कि रिलैक्स वाले स्टेट में भी ऑरिकल टू वेंट्रिकल ब्लड जा रहा था क्या। रिकॉर्डिंग मैं सबको सारे ग्रुप्स में भेज दूंगी अब, ठीक है, जैसे यूट्यूब वाले बन जाएंगे मैं आपको भेज दूंगी सारे ग्रुप में, डोंट वरी अबाउट द रिकॉर्डिंग नोट्स एंड डीटेल्स, ठीक है। तो मुझे ये बताओ ये ऑरिकल टू वेंट्रिकल रिलैक्स वाले में भी जा रहा था ना, रिलैक्स वाले में जा रहा था 70%। अब जो ऑरिकल्स में जितना बचा खुचा ब्लड है वो भी बॉडी लेगी, उसके लिए बोली कि ऑरिकल्स प्लीज अब कॉन्ट्रैक्ट कर लो, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा, तो यहाँ पर आपका ब्लड कहाँ आ गया, वेंट्रिकल्स के पास, ठीक है। तो पहले भी आ रहा था और इसने 30% और बढ़ा दिया, तो ऑरिकल्स के पास जितना सारा ब्लड था वो कहाँ आ गया, अब वेंट्रिकल्स में। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है गाइस। अब मुझे ये बताओ कि इन ऑरिकल्स को सिग्नल कौन देता था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, क्लियर, रिपीट करूंगी, पहले मुझे ये बताओ ऑरिकल्स को सिग्नल कौन दे जाता, एसए नोड है ना, एसए नोड ने किसको इशारा दिया, ऑरिकल्स, ऑरिकल्स को। तो जो आपका एसए नोड से एवी नोड जाता है ना सिग्नल, उसमें थोड़ा सा डिले होता है, वो डिले क्यों होता है, ताकि जो वेंट्रिकल से पूरे ब्लड के, मतलब ब्लड उनके पास आ जाए, इसीलिए वो थोड़ा सा डिले होता है, ठीक है। ओके अब मुझे ये बताओ रिपीट क्या करना था, प्रिया आपने बोला था क्या रिपीट करना था, प्लीज मुझे ये बताओ। ऑर्टिकल सिस्टोल, देखिए इस फेज में दोनों ऑर्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जितना बचा हुआ जो भी ब्लड था वो वेंट्रिकल के पास पूरा चल जाएगा। तो पहले वॉल्व डायस्टोल में ओपन ही थे, अगर ओपन थे दैट मीन्स ब्लड फ्लो हो ही रहा था, अभी भी वॉल्व ओपन है, पर बाकी पूरा करने के लिए ऑरिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो सारा ब्लड आ गया वेंट्रिकल्स के पास, पर इनको इशारा किसने दिया, ऐसे नोड ने, क्लियर, क्लियर है गाइस। अभी आगे बढ़े नेक्स्ट पे, अब बात करते हैं वेंट्रिकल, इसमें कौन क्या करेगा मुझे बताओ, इस फेज में क्या होगा, निशा क्या रिपीट करना है, when the ऑरिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट दे विल फिल द ब्लड इन टू द वेंट्रिकल्स, ठीक है, पर इसके लिए जो इशारा देता है दैट इज एसए नोड, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है निशा, पक्की हा, ओके नेक्स्ट बताओ इस फेज में क्या होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, हु विल कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल्स विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर जो हमारे वेंट्रिकल थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करा। अब बताओ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट आपके हुए तो क्या ब्लड आगे फ्लो होगा, किसको किसको फ्लो होगा बताओ, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल था उसके पास कौन सा पार्ट था, और राइट वेंट्रिकल था उसके पास कौन सा, यहाँ पर कनेक्शन के नाम होते हैं, यस वेरी गुड, ऑटम, और ये कौन है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्लड का फ्लो हो जाएगा, ठीक है,
इस फेज में देखो एवी नोड के, एवी नोड को यहाँ सिग्नल दिया, उसने बंडल ऑफ हिस्स को दिया और बंडल ऑफ हिस्स ने पूरे वेंट्रिकल को दिया थ्रू पुरपिंजे फाइब्रस। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में एवी नोड, एवी बंडल दैट इज बंडल ऑफ हिस्स, और आपके जो पुरपिंजे फाइबर्स है सब जाके सिग्नल देंगे, उसकी वजह से पूरा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। पर इस फेज में क्या हो रहा है, ऑरिकल्स क्या कर रहे हैं आप, ऑरिकल क्या कर रहे हैं आप, रिलैक्स, डायस्टोल मतलब रिलैक्स। अब ये कितनी देर का होता है, ये होता है 0.1 सेकेंड का, और ये होगा आपका 0.3 सेकेंड। ठीक है, ये सब हो गया, आगे बढ़े, तीनों फेजेस पढ़ लिए गाइस। अच्छा जी, एक बार अगर ऑरिकल से वेंट्रिकल पूरा ब्लड चले गए तो क्या ये वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, क्या ये वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, क्यों क्लोज हो जाएंगे, ताकि ब्लड कैसा फ्लो करे, यूनिडायरेक्शनली वापस ऑरिकल के पास ना चले जाए। तो देखो यहाँ पर जैसे ही वॉल्व कौन से क्लास क्लोज होंगे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये दोनों वॉल्व क्लोज होगी ऑरिकल के कॉन्ट्रेक्शन के बाद। तो यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस होगा दैट इज लंग। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने गाना सुना है धक धक कर नहीं लगा है ना, कैसा गाना सुना है, धक धक वाला, बट ये वाला गाना इन लोगों ने गलत बनाया, कैसा होना चाहिए था इसको, लपटप कर नहीं लगा है ना, कैसा लग, जो हमारा हार्ट का साउंड होता है वो धक धक नहीं होता है, इट इज वेरी 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 रॉन्ग, ये कैसा होता है, लब डब है ना। तो लब हमारा साउंड कहाँ प्रोड्यूस होगा, जैसे ही ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्लोज होंगे। सिमिलरली वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्गन में एक बार चले गया तो फिर ये वाले वॉल्व भी क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे कौन से वॉल्व क्लोज हुए, सेमिलुलर। अब बताओ कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, डब। तो क्या हार्ट के साउंड समझ में आए, लब और डब किसकी वजह से आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमारे हो गए। ठीक है, एक बार ब्लड अगर कहाँ चले गया, वेंट्रिकल में पूरा चले गया, तो तब तक हमारा कब तक जाएगा। ओके मैं रिपीट करती हूँ, ओके सविता मैं रिपीट करती हूँ, उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व खुले हैं तब हमारे जो ये जो सेमिलुलर थे वो बंद थे। ठीक है, और सेमिनुलर जब बंद थे तब ट्राइकस्पिड ओपन थे, जैसे ही इसका अपोजिट हो जाएगा, अगर ये दोनों ओपन है तो ये क्लोज रहेंगे, और ये दोनों अगर क्लोज है तो ये ओपन रहेंगे। ठीक है, देखो एक बार ब्लड अगर ऑरिकल से वेंट्रिकल चली गया तो ये वॉल्व क्या हो जाएगा, बंद, ताकि जो ब्लड है वो उल्टा ना जाए। जैसे ही ये बंद हुई तब कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, हमारा लंग। ठीक है, उसके बाद जब वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्ट्रा में एक बार चले गए फिर वापस ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये वॉल्व हो गए हमारे क्लोज, कौन से, सेमिलुलर। तो अब कौन सा साउंड हुआ, डब। अभी क्लियर, क्लियर, ओके। और ब्लड हमेशा कैसे फ्लो करेगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जब कोई ऑरिकल या वेंट्रिकल दोनों में से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तब प्रेशर कैसा होता है, हाई प्रेशर है ना, और जो रिलैक्स स्टेट में रहेगा वो प्रेशर में, उसका प्रेशर कैसा रहेगा, लो प्रेशर। ठीक है, ओके, ये कब होता है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम, और ये होता है रिलैक्सेशन के टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते, ओके, अगर हम कार्डियक साइकिल को देखें तो क्या होगा, पहले ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, किसको देंगे, वेंट्रिकल्स को दिए, और वेंट्रिकल और सब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर क्या हो जाएगा आपका, एक फेज आता है जिसमें देखो जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तब वेंट्रिकल रिलैक्स में है, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तब तो ऑरिकल रिलैक्स में है, दो फेजे से ही हुए, पर एक बार ऐसा होगा कि ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों साथ में क्या हो, रिलैक्स। ठीक है, ठीक है गाइस, गाइस आगे बढ़े। ठीक है, तो मुझे ये याद है ना सबको, वन हार्ट बीट इज इक्वल टू वन कार्डियक साइकिल, कोई भूला तो नहीं इसको, ठीक है। अब ये कार्डियक साइकिल बोल रही है कि मैं पॉइंट एट से करती हूँ, अब मुझे ये बताओ कि जॉइंट डायस्टोल कितनी देर का था, आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, इन तीनों के सेकंड्स बताओ, ये कितनी देर का था, जॉइंट डायस्टोल 0.4, ये कितनी देर का था, 0.1, और ये 0.3, क्या इन तीनों को एड करने पर हमारे पास 0.8 आ रहा है। ठीक है,
एक हार्ट बीट कितने टाइम की होती है? 0.8 सेकेंड्स की। क्लियर क्लियर है? और हमारे अगर एवरेज हार्ट बीट की बात करें तो इट इज 70 to 75 पर मिनट, मतलब ये हमारा रेंज है। और एवरेज की बात करें तो इट इज 73। क्लियर क्लियर। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, किसी को पता है व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? किसी को पता है? एनीवन? चलो मैं बताती हूँ। स्ट्रोक वॉल्यूम देखो, जो वेंट्रिकल्स एक बार में और ये पल्मोनरी को कितना ब्लड का अमाउंट दे रहे हैं, द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द वेंट्रिकल्स इन वन हार्ट बीट, मतलब वन हार्ट बीट में ये वेंट्रिकल कितना अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आया व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? इट इज 70 to 80 मिलीलीटर। ठीक है, एक हार्ट बीट में वेंट्रिकल, मतलब एक बार हुआ तो वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्ट था, तो जैसे ही उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करके कितना अमाउंट ऑफ ब्लड रिलीज था उसको बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियर गाइस? अब बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की। कार्डियक आउटपुट में हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? बाय द नंबर ऑफ हार्ट बीट, मतलब ये कार्डियक आउटपुट होगा कि 1 मिनट में टोटल वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड निकल रहा है। कार्डियक आउटपुट क्या है कि 1 मिनट में ये वेंट्रिकल्स कितना ब्लड का अमाउंट इजेक्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? हमारा कार्डियक आउटपुट। तो क्या आपको ये दोनों समझ में आए गाइस? स्ट्रोक कॉलम, कार्डियक आउटपुट समझ में आया? जब एक हार्ट बीट की बात करेंगे तो स्ट्रोक कॉलम, और जब 1 मिनट की बात करेंगे तो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो इट इज 70 to 80 होता है ये, और ये एवरेज की अगर हम बात करें तो ये 72। तो अगर इसको कुछ कैलकुलेट करते तो एवरेज ले तो इट इज 5000 ml पर मिनट, या 5 लीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है कितनी ब्लड की वॉल्यूम यहाँ पर इजेक्ट करेगा, कितना ब्लड वो इजेक्ट करेगा 1 मिनट में? 1 मिनट में 5 लीटर। और एक हार्ट बीट में 70 to 80 मिलीलीटर। ठीक है, ये क्लियर हो गया गाइस? क्लियर हो गया? लब दब हम पढ़ चुके हैं। लब कब कब हुआ था? जैसे ही ट्राई और बाई बंद होते हैं ये दोनों वॉल्स, तो क्या उनसे साउंड आएगा? लब। और डब कब आता है? कौन से वॉल्व बंद होंगे? वेरी गुड। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। एक साइकिल में दोनों आएंगे ना, ट्राई भी एक बार बंद होगा, सेमिनार भी एक बार बंद होगा, इसलिए लब डब दोनों एक कार्डिक साइकिल या एक हार्ट बीट में रिड्यूस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पढ़े ईसीजी। क्या आपने एक मशीन देखी है मूवीज वगैरह में, या कभी हॉस्पिटल्स गए हो तो उसमें कुछ ऐसे हार्ट की ऐसे धड़कन बताते रहते हैं, हार्ट की बीटिंग? देखिए ये क्या होती है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और इसको जो मशीन मेजर करती है दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्लियर क्लियर? ये एक मशीन है, क्या ऑप्टेन करेगी ये? इट विल ऑप्टेन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ विच ऑर्गन? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है, तो ये जो आपके एसए नोड है, एवी नोड है, बंडल ऑफ रिंग्स है, प्रोटीन फाइबर, ये सब क्या ट्रांसमिट कर रही है? कौन से सिग्नल? इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तभी जाके तो आपके ऑरिकुलर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना? तो ये जो हमारा एसी नोड, एवी नोड और ये सब सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इनको हम अगर रिकॉर्ड करेंगे तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रोकार्डियो। ठीक है, मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ग्राफ आता है इस ग्राफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर क्लियर? ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ लिट्स लगा देंगे, अगर नॉर्मल इवेल्युएशन करना है तो दोनों विस्ट के ऊपर एक एक लगा देंगे लिट और एक लेफ्ट एंकल पे। ठीक है, और अगर डिटेल इवेल्युएशन करना है तो पूरे चेस्ट पे भी यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये ईसीजी एग्जैक्टली होता कैसे?
देखो यहाँ पर ना कुछ ऐसे वेव्स होते हैं एक हार्ट बीट में, और ठीक है ये क्या होती है, एक हार्ट बीट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। क्लियर क्लियर गाइस? ओके ओके ग्रेट। ठीक है तो यहाँ पर कुछ वेव्स ऑफ होती है, इसको बोलते हैं टी वेव, इसको बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और इसको बोलते हैं टी। अब ये टी क्यू आर एस टी ये सब क्या क्या है और क्या कब तक प्रोड्यूस करते हैं? तो जब आपका टी वेव आ गया तो उसने क्या बताया, आपके ऑरिकल्स क्या हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या हुआ, हमारा टी वेव हुआ। तो दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा वेव काम कर रहा था, कौन सा नोड काम कर रहा था, ऐसे ही। क्लियर क्लियर गाइस? ओके अब बात करते हैं हमारा क्यू आर एस के बारे में। क्यू आर एस में कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल्स विद कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है तो ये वेंट्रिकल की एक्टिविटी पता चली। ठीक है और जो ये वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन वाला पीरियड है दैट इज हमारा टी वेव। यहाँ पर वेंट्रिकल क्या हो गए, रिलैक्स। क्लियर? एक हार्ट बीट में क्या हुआ, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे और दोनों रिलैक्स हुए थे। ठीक है तो टी वेव में क्या होगा, आपका ऑरिकल फिर सोल में जाएगा, मतलब क्या करेगा, डीपोलराइजेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन और डीपोलराइजेशन का मतलब है रिलैक्सेशन। तो वेंट्रिकल सिस्टोल और आर्टेरियल सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, ये आपका पी क्यू आर एस तक होगा, टी वेव में आपके वेंट्रिकल्स फिर से रिलैक्स। ठीक है समझ नहीं आया सविता? ठीक है टी वेव में कौन है, आपके ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, यहाँ पर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए क्यू आर एस में, और टी में क्या हो गया, वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए। और समझाना है, दोनों रिलैक्स नहीं हुए, जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जब ये वेंट्रिकल यहाँ पर रिलैक्स हो गए, देखो ईसीजी में हमारा सिर्फ यही आता है ना, टी क्यू आर एस सी, इसके अलावा कोई वेव्स नहीं आते। ठीक है गाइस जब वेंट्रिकल से रिलैक्स होते हो तो आपके ऑरिकल एक पीरियड आता है जॉइंट डायस्टोल वाला, इसमें दोनों रिलैक्स हो जाएंगे। ओके तो नॉर्मल हार्ट बीट तो ऐसी चलती है, पर अगर किसी की हार्ट बीट जल्दी है तो ये इवेंट भी जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि स्लो है तो ये धीरे धीरे चले जाएगी। ठीक है फिर से ये रिपीट हो जाएगा, फिर वापस पी आ जाएगा, क्यू आर एस और टी, तो ये जो होता है जॉइंट डायस्टोल का टी के बाद। ठीक है डबल सर्कुलेशन पढ़े। देखो अब जो आपका हार्ट है वो दो जगह से ब्लड को ला रहा था, एक बार तो वो लंग के पास ले जा रहा था और एक बार बॉडी के पास ले जा रहा था। इतनी बात तो सबको पता है ना गाइस, है ना? तो ये जो आपकी बॉडी है पहले हार्ट को देगी और हार्ट से लंग को जाएगा, और लंग से पहले हार्ट को आएगा और बॉडी को, मतलब हार्ट के पास ब्लड कितनी बार जा रहा था, दो बार, है ना? तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन। तो जब आपका हार्ट और लंग के बीच में हो रहा है तब पल्मोनरी बोलेंगे उसको, और जब हार्ट और बॉडी के बीच में हो रहा है तो बोलेंगे सिस्टेमिक। और कुछ यहाँ पर डाउट तो नहीं है ना, जब हार्ट के पास दो बार यहाँ पर सॉरी ब्लड जाएगा तो उसको बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। जब हार्ट और लंग के बीच में ट्रांसफर हो रहा है दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, जब हार्ट और बॉडी के बीच में जा रहा है दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है ओके ये हार्ट है और ये क्या है, लंग्स है। ठीक है अब मुझे बताओ यहाँ पर जो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल जा रहा था यहाँ पर कनेक्शन का नाम क्या था, कनेक्शन का नाम क्या था आरुषि, व्हाट डू आई नीड रिपीट, इस कनेक्शन का नाम बताओ, कौन लेके जा रहा था राइट वेंट्रिकल से लंग, पल्मोनरी हार्ट की। ठीक है फिर ये लंग्स किसको देंगे, लेफ्ट ऑरिकल को, और फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसको कौन ले जाएगा, पल्मोनरी वेन। तो ये जो सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स है दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन।
क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है गाइस? ओके देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले किसके पास आएगा? टिश्यू के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये हार्ट को किसके थ्रू जाता है? राइट ऑरिकल, ठीक है, वेना केवा के जाएगी राइट ऑरिकल, फिर ये वेंट्रिकल को जाएगा, फिर ये ब्लड किसके पास गया? लंग के पास, लंग ने इसको क्या दी? ऑक्सीजन, और ये ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? पल्मोनरी सर्कुलेशन समझ आया? आगे बढ़े, अब बढ़ते सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब हार्ट और बॉडी की बात करते हैं। तो ये हुआ हमारा हार्ट, ये हुआ हमारी बॉडी। हार्ट से बॉडी के पास ऑक्सीजनेटेड जाता है और डीऑक्सीजनेटेड किसके पास जाएगा? हार्ट के पास। इस पॉइंट में किसी कंफ्यूजन है? इस पॉइंट में किसी को कंफ्यूजन है? नहीं, बताओ बॉडी से हार्ट कौन ले जाता है? लार्ज वेन्स, उनका नाम बताओ। नहीं, बॉडी से हार्ट, आई एम टॉकिंग बॉडी टू हार्ट, नॉट हार्ट टू बॉडी। यस, वेना केवा, है ना, वेना केवा इसको देगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हार्ट टू बॉडी कौन देता है? aorta और उसकी ब्रांचेस, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारा ऑक्सीजन और उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स ये सब डिलीवर हो जाएगा, और जो CO2 या वेस्ट प्रोडक्ट है वो एलिमिनेशन के लिए चले जाएंगे, ठीक है, कहां जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। क्या ये सब कुछ क्लियर हो गया हमें गाइस? क्लियर हुआ? ओके, अब यहाँ पर हम दो मेन सिस्टम देखते हैं, हेपेटिक फिल्टर सिस्टम और एक कोरोनरी, यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर कोरोनरी की बात करें तो ये वो आर्टरीज है जो हार्ट को भी तो खुद को ब्लड की जरूरत है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। कि हार्ट ऐसा है कि बिना ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रह लेगा? अगर बॉडी के सारे पार्ट को चाहिए तो हार्ट को भी तो चाहिए ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। Yes, तो जो हार्ट को डिलीवर करने वाला है दैट इज कोरोनरी वेसल्स। कोरोनरी वेसल्स हार्ट की मसल्स को क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी, और इसको हम बोलेंगे कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो जो आर्टरी से उसने कौन सा ब्लड लग दिया? ऑक्सीजनेटेड, और वेन्स कौन सा ब्लड गया यहाँ पर? डीऑक्सीजनेटेड। क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? अगेन हार्ट जो है उसको भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है। अब इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये सबको दे देगा तो खुद को देने वाला भी कोई होना चाहिए। तो ये जो कोरोनरी वेसल्स है, वेसल्स में कौन कौन से आते हैं हमारे पास? ब्लड आर्टरीज भी आ गए और कैपिलरीज भी आ गए। जो कोरोनरी आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की सेल्स को देगी, और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लाएगा? कोरोनरी वेन्स, ठीक है। इसी सिस्टम को हमने बोला है कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। और बात करते हैं हेपेटिक फिल्टर सिस्टम की, तो यहाँ बात करें इंटेस्टाइन और लीवर। और मुझे ये बताओ कि इंटेस्टाइन और लीवर किसके पार्ट है, कौन से सिस्टम के? इंटेस्टाइन और लीवर कौन से सिस्टम के पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम की। वेरी गुड, ठीक है, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट। हम बात करते हैं हमारा हिपैटिक फिल्टर सिस्टम। हिपैटिक वर्ड हमारा अगर यहाँ आ रहा है दैट मीन्स इट इज कनेक्टेड टू द लीवर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होती है कि इंटेस्टाइन से लीवर स्पेशल कनेक्शन है, उस कनेक्शन का नाम है हिपैटिक फिल्टर वेन। किसके किसके बीच में? इंटेस्टाइन और लीवर के बीच में स्पेशल कनेक्शन है, उसका नाम है हिपैटिक फिल्टर वेन, ठीक है। हार्ट को देखो सारे क्या होते हैं कि पहले हार्ट को देते हैं, पर इस सिस्टम में क्या होता है कि इंटेस्टाइन से लीवर पहले ब्लड जाता है, देन जाके हार्ट के पास है, ठीक है। तो इसी को बोला है हमने हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। यहाँ पर हमारे के दो पार्ट से एनएचपी और इनकी रही बात, इनके बीच का जो कनेक्शन है उसका नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन। ये क्या करेगी? ब्लड ले जाएगी इंटेस्टाइन से किसके पास? लीवर के पास, ताकि उसके पहले ये सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन हार्ट टू बॉडी ऑर्गन, हार्ट से बॉडी ऑर्गन जाए उसके पहले इंटेस्टाइन से लीवर के बीच कनेक्शन आता है। बहुत ब्रेक हो रही है क्या? ओह गॉड, जस्ट अ सेकंड ना।
मैं कुछ और नेटवर्क स्विच करती हूँ। अभी ठीक है? या बीपी प्रॉब्लम आ रहा है? इज इट ओके? आयुषी का लाइक आया? बाकी लोग बताओ। ठीक है ना, चलो कंटिन्यू करते फिर। ओके तो ये वाले हमारे सिस्टम्स हो गए। अब बात करते हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, मतलब ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। जो भी ब्लड को ले जा रहा है उसका नाम है ब्लड वेसल। क्या इस पार्ट में किसी कंफ्यूजन है गाइस? इस पार्ट में किसी कंफ्यूजन नहीं? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो कैरी करेगा वो कौन है? हमारा आर्टरीज। वेन्स कौन है? जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। एक्सेप्शन का नाम बताओ, आर्टरीज में से एक्सेप्शन कौन है? पल्मोनरी आर्टरी, इसके पास कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड, है ना। और वेन्स में से कौन होती है एक्सेप्शन? पल्मोनरी वेन, उसके पास कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अभी कैपिलरीज क्या है? तो जो आपके टिश्यूज होते हैं उसमें ये आर्टरी से ही जाएगी और छोटी छोटी ऐसी ब्रांचेस बनाती है। उन ब्रांचेस का नाम है आर्टरीओल्स। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर एक आता है, यहाँ पर आते हैं आपके, यहाँ से बाहर कौन निकलेगा? वेन निकलेगा, है ना। तो इसका नाम क्या है? वेन्यूल्स। अब इनके बीच का दोनों का जो कनेक्शन है दैट इज कैपिलरी। मैंने बताया था ना कैपिलरी में छोटे छोटे गैप्स होते हैं ताकि वहां से ऑक्सीजन डिलीवर हो सके। ठीक है, तो कैपिलरी भी समझ में आया, कनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। गाइस समझ में आया? ठीक है, तो आर्टरीज कौन है? जो हार्ट से जो बॉडी ब्लड जाएगा वो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और किस ब्लड को कौन सी ब्लड वेसल ले जाएगी? आर्टरी। इतना तो हम जानते हैं, है ना। ये आर्टरी है, आर्टरी जब डिवाइड करेगी तो क्या बनाएगी? आर्टरी होल्स। ये आर्टरी और इसकी ब्रांचेस क्या हो गई? आर्टरी होल्स। ठीक है, ठीक है गाइस, सोए तो नहीं, नींद तो नहीं आई किसी को? ठीक है, अब देखो ये आर्टरी की भी क्या होती है? तीन लेयर होती है। अभी दिखने में तो ये क्या दिख रही है? सिंगल लेयर की दिख रही है, पर ये भी कितनी लेयर्स की बनी होती है? एक दो तीन ऐसी लेयर होती है आर्टरी की। मतलब अगर ये सर्कुलर अगर हम ब्लड वेसल की ओपनिंग बनाओ तो इस तीन लेयर में ये आर्टरी होती है। ठीक है, तो जो इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर है, वो कौन है? टीआई, ट्यूनिका इंजिनिया। क्लियर, क्लियर। एक इनर होगी, एक मिडिल होगी, एक एक्सटर्नल होगी, है ना। एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच मिडिल आएगा ना, ऑब्वियसली, है ना। गाइस कोई सोया क्या? सो गए क्या? ये मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। नो प्रॉब्लम ना? ये यस देयर इज अ प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो ये इनर होगी, उसके बाद मिडिल वाली लेयर होगी और बाहर एक्सटर्नल वाली होगी। ठीक है, तो ट्यूनिका एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब आउटर मोस्ट लेयर, मीडिया मतलब मिडिल लेयर, इंटीमिया मतलब इनर लेयर। ठीक है, अब इन लेयर्स में एक्चुअली होता क्या है? तो जो इनर मोस्ट लेयर बनी होती है वो एंडोथेलियल सेल्स के लिए बनी होती है। मसल्स और फाइबर्स कहाँ है? हमारे मिडिल वाली लेयर में। और जो कनेक्टिव टिश्यू, जो कोलेजन फाइबर वाली है, वो है ट्यूनिका एक्सटर्नल। क्या किसी को समझ में नहीं आया? क्या किसी को समझ में नहीं आया? आ गया सबको? आ गया? ठीक है, अब बात करिए हमने आर्टरीज की, अब बात करते हैं वेन्स। तो जो बॉडी से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है और हार्ट के पास जा रहा है, उनको कौन लेके जाएगा? हाँ ये याद रखना है, यूट्यूब गेमिंग, है ना, कि जो आर्टरीज है उसमें कौन सी लेयर है, वेन्स में कौन सी लेयर है। अब वेन्स में क्या होता है, ये जो आपकी मिडिल वाली लेयर होती है कैसी होती है? थिन होती है, इसीलिए याद रखना। ठीक है, एक्सेप्शन याद है, ब्रांचेस याद है और इनका काम याद है, ये तीनों पॉइंट्स आई थिंक क्लियर होंगे गाइस। क्लियर, ओके। अब मुझे बताओ तीनों लेयर्स के नाम, मैं तीनों अलग अलग कलर्स बनाती हूँ, थोड़ा अच्छे दिखे। ठीक है, एक और लेयर बनाते हैं।
अब मुझे इनके नाम बताओ, बाहर वाली कौन है? प्यूनिका एक्सटर्नल, बाहर वाली आउटर मोस्ट एक्सटर्नल, मिडिल वाली कौन है? प्यूनिका मीडिया एंड द इनर मोस्ट ही प्यूनिका इंटरनल। क्या इस पॉइंट में किसी को कंफ्यूजन है? आई होप दोनों के होगा। तो तीनों लेयर किसमें प्रेजेंट है? आर्टरीज में भी, वेन्स में भी, पर जो आपकी ये मिडिल वाली लेयर है वो थिन है। किसमें? इट इज थिन इन वेन्स। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ कंफ्यूजन वाली बात यहाँ पर होगी किसी को अभी। वेन्स की ब्रांचेस वेन्यूल्स, आर्टरीज की ब्रांचेस बताओ, आर्टरीज की ब्रांचेस को क्या बोलते हैं हम? आर्ट्रियोल्स। ठीक है, आगे बढ़े। ओके गाइस, तो देखो आपको एक आर्टरी का और एक वेन, यानी क्या बोला था, आर्टरीज और वेन के बीच का जो कनेक्शन है उसका नाम क्या है? कैपिलरी। देखो यहाँ पर ये कनेक्शन बन रहा है, ये कनेक्शन कौन है हमारा? कैपिलरी। क्या आर्टरी, वेन और कैपिलरी में किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है, देखो ट्यूनिका इंटरनल वाली लेयर, मेडिकल लेयर और एक्सटर्नल, तीनों प्रेजेंट होती है, पर यहाँ पर वेन्स में कौन सी लेयर थिन होती है? विच लेयर इज थिन? ट्यूनिका मीडिया। बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है क्या गाइस? अभी इज इट बेटर? ओके ओके, तो ये सब क्लियर हुआ ना, आर्टरीज वेन्स। अब कैपिलरीज की बात करिए, तो कैपिलरीज क्या बोला था? दे आर द कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड, गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड फास्ट, वेन्स। ठीक है, तो जो आर्टरीज डिवाइड होती है तो आर्टरियोल्स बनाती है। ठीक है, ये आपकी सिंगल लेयर होती है, उसके बाद ये जो फाइनल डिविजन होता है वो कैपिलरी, मतलब ये आर्टरी थी, डिवाइड करके जो फाइनल बचा है सिंगल लेयर वाला, दैट इज कैपिलरीज। और जब ये वापस मिल जाएंगे तो बन जाएंगे आपके वेन्यूल्स और उससे बन जाएगा वेन्स। क्या इसमें कुछ कंफ्यूजन गाइस? कंफ्यूजन है अभी भी? बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। ओके, तो क्या ये डिफरेंस आप लोग पढ़ लोगे अच्छे से, आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज के बीच में? ओके, मैं आपके छोड़ रही हूँ ना, ये मतलब जो पढ़ाया दैट इज सेम। ल्यूमेन का मतलब क्या होता है पहले मुझे ये बता दो, ल्यूमेन का मतलब क्या होता है? ये जो आपकी तीनों लेयर है इसके अंदर तो खाली स्पेस है, जिसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमेन का मतलब तो पता है ना, अगर ये मैं बहुत बड़ा स्पेस बना दू तो इसके अंदर की जो खाली स्पेस है इसको हम बोलेंगे ल्यूमेन। ठीक है, यहाँ पर ये तीन लेयर का जो अंदर वाले स्पेस है इसको बोलेंगे ल्यूमेन। वेन्स एक तरह की आर्टरीज, देखो वेन्स और आर्टरीज दोनों क्या है? ब्लड वेसल, पर उनका डिफरेंस किस वजह से आ रहा है? वो किस टाइप का क्या दे रहे हैं वहां पर? ब्लड ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। तो आपकी अगर आर्टरीज आ गई आपके टिश्यू में तो वहां से ऑक्सीजन निकल गया तो वो ब्लड तो अब डीऑक्सीजनेटेड हो गया, फाइनली वो भी तो एक ब्लड वेसल में ही फ्लो करेगा, उस ब्लड वेसल का नाम है हमारा कौन? वेन्स। ठीक है, ओके, अब हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक। हार्ट की जो बीटिंग है कभी कभी स्लो हो जाती है, कभी कभी फास्ट हो जाती है। डिड यू नोटिस, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, बहुत फास्ट अगर भागोगे तो ये हार्ट जो है वो उसका जो मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, फास्ट फास्ट होने लगा, हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है, किसी किसी की स्लो हो जाती है। दैट मीन्स दे आर अंडर इन रेगुलेशन। कौन कौन सा रेगुलेशन? एक है हमारे पास नर्वस सिस्टम और एक है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। इन दोनों सिस्टम्स के मीनिंग पता है? एंडोक्राइन सिस्टम के और नर्वस सिस्टम के मीनिंग्स पता है? अभय को नहीं पता है, बाकी में से किसी को पता है नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम? देखो जो देखो ल्यूमेन किसका टूटा होगा? जिसकी वॉल थिन थी। थिन किसकी वॉल थी? वेन्स की, उसका ल्यूमेन इसलिए क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है सबिता, हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे थे, जो हार्मोन से हार्मोनल वाला सिस्टम है
उसको बोलेंगे हम एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। और न्यूरॉन्स की बात करें, जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन्स का बना है, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पूरी बॉडी में जा रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, नर्वस सिस्टम, ठीक है। ठीक है गाइस, हेलो गाइस, ठीक है। तो ये कार्डियक एक्टिविटी किसके किसके रेगुलेशन में, नर्वस सिस्टम के और एंडोक्राइन सिस्टम के। यहाँ पर कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं जो आपके हार्ट को क्या, हार्ट रेट को क्या कर देंगे, इंक्रीज या डिक्रीज, वो होगा एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से। और अगर नर्वस सिस्टम की वजह से कुछ होता है तो वो रेगुलेशन किसके अंदर आएगा, क्या रिपीट करना है अब। देखो कार्डियक एक्टिविटी दो सिस्टम के अंदर रेगुलेट, हार्ट बीट का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना किस पे डिपेंड करता है, दो सिस्टम पे, एक नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो न्यूरॉन वाला सिस्टम है जो पूरी बॉडी को सिग्नल प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो नर्वस सिस्टम है। और दूसरी बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, जो हमारा हार्मोनल सिस्टम से, हार्मोनल सिस्टम वाला जो सिस्टम है दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो कुछ हार्मोन्स के रिलीज की वजह से हार्ट बीट इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो उसको बोलेंगे हम एंडोक्राइन सिस्टम वाला रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। अभी क्लियर, क्लियर है अभी, ओके। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम प्रिंसिपल ऑर्गन होता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो है हमारा ब्रेन, इसके पास एक पार्ट होता है फोर ब्रेन में जिसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगा। जैसे हमने ब्रीदिंग का पढ़ा था कि मेडुला ऑब्लोंगाटा के पास सेंटर्स होते हैं रेस्पिरेशन को रेट को रेगुलेट करने के लिए, ज्यादा होगा या कम होगा। तो देखो यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा है, यहाँ पर दो सेंटर से जो किसको कर रहे, हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, मतलब हार्ट रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज। तो ये किससे कनेक्टेड है, यहाँ से हमारे एसए नोड और एवी नोड से। तो ये क्या होगी, नर्व या न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कनेक्शन होते हैं किसके, नर्वस सिस्टम के। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से दो नर्व निकली और वो कहाँ जाके कनेक्ट हुई, एसए नोड और एवी नोड पे। एसए नोड क्या करता है, इनिशिएट करता है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना। अगर ये बार बार उसको सिग्नल देते रहेगा तो हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन फास्ट हो जाएगा। और एसए नोड अगर धीरे धीरे सिग्नल दे रहा है तो वो क्या करेगा, हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन को स्लो कर देगा। इतनी बात क्लियर है गाइस, ठीक है। तो देखो ये जो आपका ब्रेन वाला रीजन है वहां से एक नर्व आती है वेगस नर्व। ये वेगस नर्व कहाँ जाके कनेक्ट हो जाएगी, आपके एसए नोड पे और एवी नोड पे। और एक आता है हमारे पास सिंपेथेटिक कार्डियक नर्व। दो टाइप की नर्व हुए, एक वेगस नर्व और एक सिंपेथेटिक नर्व, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम एक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, एएनएस, दैट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का एक ऐसा वाला पार्ट है जो किसको कंट्रोल करता है, इनवॉल्यूंट्री एक्शंस को। इनवॉल्यूंट्री एक्शंस कौन से हुई, इनवॉल्यूंट्री एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं हुए। तो हार्ट की बीटिंग भी हमारे कंट्रोल में नहीं हुई, दैट मीन्स वो कहां ना कहां कंट्रोल होगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपेथेटिक और एक होता है पैरासिंपेथेटिक। तो जो सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कब एक्ट होगा, आंसर क्या होगा, किसका आंसर, एएनएस इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का एक टाइप है। जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे ना वहां हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जो इनवॉल्यूंट्री एक्शन को क्या करेगा, यहाँ पर कंट्रोल करेगा। तो हार्ट की जो बीटिंग है वो भी इनवॉल्यूंट्री है, इसलिए उसको कौन कंट्रोल करेगा, एएनएस। एएनएस के दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। स्ट्रेस वाली कंडीशन में जो एक्टिवेट होता है दैट इज, यस, इमरजेंसी वाली कंडीशन में जो एक्टिवेट होता है दैट इज सिंपैथेटिक। और इसका जो पैरासिंपैथेटिक जो रेस्ट की कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन पे होता है उसको बोलेंगे पैरासिंपैथेटिक। इतनी बात क्लियर है। तो स्ट्रेस के कारण आपका कभी अगर ऐसे सिचुएशन है, बहुत इमरजेंसी है, बहुत टेंशन हो जाता है, तो हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है, हार्ट फटाफट बीट करने लगता है, है ना, वो हमें स्ट्रेस। पर स्ट्रेस हमेशा रहता है क्या, स्ट्रेस खत्म हो जाता है, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाता है, तो हार्ट बीट को नॉर्मल कौन करेगा, पैरासिंपैथेटिक। तो जो आपका सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक है दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, ओके गाइस, क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये जो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो सिर्फ हार्ट रेट को रेगुलेट कर सकता है, और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
वो हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों को रेगुलेट कर रहता है। हार्ट रेट वाला मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वाला यहाँ पर कंट्रोल ले रहा है, और स्ट्रोक वॉल्यूम वाला मतलब इजेक्शन ऑफ ब्लड पर सिंगल बार में, वेंट्रिकल से कितना ब्लड इजेक्ट कर रहे हैं एक बार में, एक हार्ट बीट में, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। इतनी बात क्लियर? ठीक है, तो देखो हमारा यहाँ पे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कौन सी कंडीशन में होगा? स्ट्रेस वाली कंडीशन में। हाई एक्सरसाइज हो गई, बहुत टेंशन हो गया, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि ये सिग्नल देगा कि हार्ट को फटाफट बीट करना है, ठीक है, और ये स्ट्रोक वॉल्यूम को भी इंक्रीज कर देगा। अगर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, तो फटाफट ब्रीथ करके हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन ज्यादा लेना पड़ेगा। उस ऑक्सीजन को हमको कहाँ देना पड़ेगा, हार्ट के जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसको देना पड़ेगा। तो ये सब काम जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ये होगा स्ट्रेस वाली कंडीशन में। इनको नॉर्मलाइज कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। किसके थ्रू? वेगस नर्व के थ्रू, ठीक है। जैसे ही क्राइसिस हैज पास्ड मतलब जहां पर कंडीशन नॉर्मल हो गई, पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल करेगा। क्लियर गाइस? क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की। तो दो हार्मोन से एपिनेफ्रिन और थायरोक्सिन, ये भी क्या काम करते हैं? सिंपैथेटिक जैसे। ये क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे कार्डियक मसल्स को, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे, ठीक है। तो दोनों का समझ में आया, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी समझ में आया। एड्रेनिन इज अ हार्मोन जो आपका जो सॉरी एड्रेनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को फटाफट करेगा, जैसे सिंपैथेटिक कर रहा था, ठीक है। तो जो अगर जो ऑटोमेटिक रेगुलेट हो रही है जो भी एक्टिविटी, इसीलिए इसको बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। मतलब हार्ट की जो एक्टिविटी कौन कंट्रोल कर रहा है? नोडल टिश्यूज, और नोडल टिश्यूज की वजह से इसको बोलते हैं मायोजेनिक। क्लियर? इस एएनएस का नाम क्या है? ऑटोनोमी नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये कहाँ है? मेडुला ऑब्लोंगाटा कहाँ है? ब्रेन में, ठीक है। तो इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिंपैथेटिक। जो स्ट्रेस की कंडीशन में जो हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा वो कौन है? सिंपैथेटिक। और पैरासिंपैथेटिक इसको जो नॉर्मल करेगा वापस स्ट्रेस की कंडीशन पे लगा, अगर हार्ट बीट इंक्रीज हो गया बहुत ज्यादा हो गया, इसको नॉर्मल लाना है, दैट मीन्स कहाँ 72 बीट्स पर मिनट पे लाना है। कौन लेके आएगा? पैरासिम्पैथेटिक। मायोजेनिक, देखो हार्ट की एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली रेगुलेट होती है थ्रू एसिनोड, एविनोड, बंडल ऑफ हेस, पर्किंस एंड पाइपर्स, इसीलिए इसको मायोजेनिक बोलते हैं, ठीक है। और जो हमने बात करी किसकी? एपिनेफ्रिन की और थायरोक्सिन की, वो क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे कार्डियक आउटपुट को, ठीक है। क्लियर गाइस? आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब आते हैं चैप्टर के लास्ट पार्ट पे, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या हर किसी में नॉर्मली काम करेगा? अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया, दैट मींस ये इसकी फंक्शनिंग कैसी हो गई? माल फंक्शनिंग। अब ये नॉर्मल जैसे वर्क नहीं कर रहे, तो कौन कौन से यहाँ पे प्रॉब्लम आते हैं? पहली बात करते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर की, ठीक है। आपने सुना होगा किसी किसी को बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर होने की प्रॉब्लम है ना। हाई ब्लड प्रेशर का मीनिंग क्या होता है? जब ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो करता है तो ये वॉल्स पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। तो जब ये वॉल्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगने लगे, तब क्या हुआ? हमारा हाई ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल में कितना होता है? इट इज 120/80। मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन वाले में कितना होता है हमारा यहाँ पर 120, और रिलैक्सेशन में कितना होता है यहाँ पर 80। ये नॉर्मल की बात हुई। अगर ये 120 या 120/80 से ज्यादा होता है, 140 तक आ गया, तो ये हायर हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हमने कोरोनरी आर्टरी की बात करी थी, जो किसकी किसको ऑक्सीजन सप्लाई कर रही थी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट को इटसेल्फ सप्लाई कर रही थी, दैट इज कोरोनरी आर्टरी। अब इस कोरोनरी आर्टरी में कुछ डिपोजिशन हो गया, तो क्या इसका ल्यूमेन छोटा हो गया? जो अंदर वाला स्पेस था बहुत छोटा हो गया। अगर छोटा हो गया तो ब्लड भी कम फ्लो करेगा, है ना।
कम फ्लो करेगा। तो इस टाइप के डिजीज को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो जो हम बाय कोलेस्ट्रॉल की बात करते, सॉरी कोलेस्ट्रॉल की बात करते ना, कि कोलेस्ट्रॉल खाने से मतलब अगर हमारी बॉडी में ज्यादा हो गया तो उससे हार्ट की एक्टिविटी हैम्पर हो जाएगी। कैसे होती है? क्योंकि हार्ट की जो खुद की सेल्स है उनको प्रॉपर क्या है, ब्लड नहीं मिल पा रहा है, कम ब्लड मिल रहा है, तो उसकी वजह से जो डिजीज आता है दैट इज कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, यहाँ पर ये कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, एसिड मिलके यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आर्टरी इतनी बड़ी थी तो ये सब डिपॉजिट हो जाएंगे, तो आर्टरी की जो अंदर की ल्यूमेन वो काफी छोटी हो जाएगी। क्लियर क्लियर, ओके। अब बात करते हैं एंजाइना की, ये एंजाइना पेक्टोरिस की। तो जब यहाँ पर जो हार्ट है, हार्ट की मसल को कम ऑक्सीजन मिल रहा है, तो उसकी वजह से चेस्ट में पेन होता है। उस पेन को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट होता है, मतलब थोड़ा सा होता है, तो उसको बोलेंगे एंजाइना प्रेक्टोरिस। क्लियर, मतलब हार्ट की मसल को कम ऑक्सीजन मिल रही है उस कंडीशन में क्या होगा, एंजाइना। इतनी बात क्लियर है गाइस? क्लियर है। अब हार्ट फेलियर की बात करें, अगर आपका हार्ट ने ब्लड पंप करना ही बंद कर दिया, दैट मींस उसने उसका काम करना ही बंद कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हार्ट फेलियर, हार्ट फेल हो गया, है ना गाइस? ठीक है, अगर ये किसकी वजह से, लंग्स में अगर ऑक्सीजन, लंग्स अगर प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे तो इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हार्ट को नहीं दे पाएंगे, मतलब हार्ट के ये जो पास जो ब्लड आ रहा था, और अगर हार्ट के पास नहीं आया तो पूरी बॉडी को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अगर हार्ट ही फेल हो गया तो हार्ट क्या हो गया, वहां पे हार्ट की पंपिंग ऑफ ब्लड नहीं होगी। क्लियर, मतलब बॉडी के जितने रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, उतनी ऑक्सीजन उनको नहीं मिल रही है खुद ही, उसको बोलेंगे हार्ट की। अब लास्ट बात करते हैं हार्ट अटैक। ये मोस्ट कॉमन है, क्या आपने ये सब सुना है, हार्ट अटैक सुना है आपने? हार्ट अटैक के बारे में बहुत सारे लोगों को आ जाता है, तो ये हार्ट अटैक होता क्या है? अब ये क्या है, हार्ट, इसको क्या चाहिए काम करने के लिए, ऑक्सीजन कंटिन्यूसली मिलना चाहिए। अब ये ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो ये क्या हार्ट काम नहीं कर पाएगा, ये पूरी बॉडी को क्या, पूरी बॉडी को हार्ट मतलब अच्छा ब्लड सप्लाई कर पाएगा अगर हार्ट में ही प्रॉब्लम आ गया, इसकी वजह से बोलते हैं हार्ट अटैक। तो इस हार्ट अटैक का एंजाइना क्या है, सिम्टम। ओके ठीक है, तो क्या सारा कुछ समझ में आया? वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, क्या किसी भी पॉइंट में किसी को कुछ कंफ्यूजन है? हार्ट अटैक तो बोल देते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। देखो हमने अभी सब कुछ पढ़ा, कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या हो रहा था, हार्ट अटैक किस वजह से आ रहा था। देखो कोलेस्ट्रॉल होता है तो क्या होता है कि अगर आर्टरीज हमारी बहुत छोटी छोटी हो गई, उसके अंदर इतना कम ब्लड आ रहा है तो कम ऑक्सीजन भी लाएगा, कम ऑक्सीजन लाएगा तो हार्ट को नहीं मिलेगा इफेक्टिवली। 1:1, एक बार आप बता दीजिए क्या बताना है, यूट्यूब गेमिंग क्या बताना है, ब्लड प्रेशर, एंजाइना, रिपीट करूं, ब्लड प्रेशर। ये क्या है, सपोज एक पाइप है, उस पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है, इतना तो समझते हो ना, इतना तो समझते हो ना। जब ये पानी फ्लो कर रहा है तो क्या ये पाइप के जो वॉल्स है उस पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा अगर पानी पाइप पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, तो जो वो प्रेशर है, वाटर का प्रेशर या लिक्विड का प्रेशर, अब इस वेसल में, ब्लड वेसल में क्या फ्लो हो रहा है, पांडे जी ये रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगी, इस ब्लड वेसल में क्या हो रहा है, ब्लड, दैट मीन्स यहाँ पर प्रेशर कौन लगाएगा, प्रेशर कौन लगाएगा, ब्लड। तो इसीलिए इसको हेपेटिक फोल्डर सिस्टम, हाइपोथैलेमस आपका एक ग्लैंड है जो आप मतलब रीजन है जो कहाँ पर होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। हेपेटिक फोल्डर सिस्टम हमारे लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है क्या आवाज सभी, तो आपका डाउट क्या था, ऊपर चली गया, एक सेकंड में देखती हूँ। हार्ट अटैक में बोल देते कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, क्यों क्यों बोल देते,
क्योंकि देखो कोलेस्ट्रॉल जब आएगा, कोलेस्ट्रॉल अगर डिपॉजिट होने लगा तो जो कोरोनरी आर्टरीज थी वो क्या कर रही थी, हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर कर रही थी। अब क्या हो गया, वहां पर डिपोजिशन हो गया तो उनका ल्यूमेन इतना छोटा सा होता है, तो यहाँ पर सिर्फ ब्लड भी कम जाएगा और ऑक्सीजन भी कम जाएगी, तो अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल ने किसको लीड किया, हार्ट अटैक को। समझ आया? यस प्रिया, व्हाट्स योर क्वेश्चन? एंजाइना रिपीट कर दीजिए। ठीक है, हम एक बार और, मेरे को लगता है डिसऑर्डर्स में काफी कंफ्यूजन है, हाई ब्लड प्रेशर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर की बात करें कि नॉर्मली ब्लड फ्लो हो रहा था तो कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, अब उससे वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात करें तो कोरोनरी आर्टरी क्या है, क्लास आई डोंट नो कल हो पाएगी या नहीं पांडे जी, पर मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगी और आप मुझसे कॉन्टेक्ट में रहना अगर डाउट है तो आई विल क्लियर। ठीक है, देखो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या हुआ कि कोरोनरी आर्टरी हार्ट को सप्लाई कर रही थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब इस आर्टरी में क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल बहुत सारे फैट्स यहाँ पर डिपॉजिट हो गए, इसके ल्यूमेन को इतना छोटा देखा तो यहाँ पर ये ब्लड कम गया, ब्लड कम गया तो ऑक्सीजन कम गई, तो इस डिपॉजिशन की वजह से जो हुआ दैट इज कोरोनरी आर्टरी, क्योंकि इसमें क्या होता है ल्यूमेन छोटा हो गया। अब एंजाइना की बात करें, अब ऑक्सीजन कम जा रहा है तो ऑक्सीजन कम जाने से हार्ट की मसल्स को क्या प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन मिला, उसकी वजह से जो चेस्ट में पेन होता है दैट इज एंजाइना। ठीक है, हार्ट अटैक की बात करें तो जब इस एंजाइना का बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये एक्यूट था, जब ये बहुत ज्यादा सीवियर हो गया तो इट कन्वर्ट्स इनटू ए हार्ट अटैक। इज दिस क्लियर एवरीवन? ड्यूरिंग ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो रेड कलर का होता है, दैट इज आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, क्योंकि ब्लड टेस्ट में आपका क्या देखते हैं, वो ब्लड ग्रुपिंग का टेस्ट करते हैं और वहां पर देखते हैं पैथोजन के बारे में कि कौन सा पैथोजन प्रेजेंट है, अगर ब्लड में आपको कोई भी पैथोजन मिलता है तो उससे वो डिसीज का पता लगता है, क्योंकि पता होता है कि पैथोजन कौन सा डिसीज कॉज करेगा। ठीक है, सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर गाइस? ओके, थैंक यू फॉर द डे, बाय बाय।